मुल्ला के जंग सी देता असरात मनफी तुझ में डर है आई कैन सेंस इट लेफी बड़ी लगे सेंस इट कम टू योर सेंस इट मैं फ्यूचर और टू पास्ट टेंस इट एक कॉल पर डाकू मारेगा डाका गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे दूध दांत सिंह के सांप को पिला रहे अबे कौन है ओए अबे कौन है काले यारो अबे अबे जा रहा अबे कौन हो गए डाला वाला कहां से आ गया ये कोई काले जा रहा यार अबे किधर ले जा रहे हैं ब्लैक डाला मुझे a few inches later गलियों में गाया करता था ना गली बॉय बना हुआ था मैं तेरे को प्रॉपर कॉन्सर्ट में लेके आया हूँ तेरा मैंने कॉन्सर्ट बुक कर दिया है और अब हम ये सारे के सारे फैंस आए हैं तेरे को अपने गाने याद है ना तेरे को प्रॉपर स्टेज पे जाके गाना गाना है मैं कोई रैपर थोड़ी हूँ मुझे थोड़ी आते गाने सिंगर थोड़ी हूँ देख अगले 24 घंटे के लिए तू एक सिंगर है सिंगर हूँ सिंगर है मेरा माइक किधर है यार बराबर एंट्री कर रहा हूँ माइक से पहले तेरा स्टेज आएगा ना स्टेज पे लेके चलते भाई तेरे को लेके भैया प्रोटोकॉल के साथ आया हूँ देख जाना अलग से लेके आया हूँ गार्ड तेरा अलग है तेरा वो तो वैसे भी मैं ऐसे ही घूमता हूँ ये कौन सी बड़ी चीज कर दी तूने तेरी रैपर वाली लाइफ है ना अभी तेरे साथ बाउंसर भी हो शायद और नहीं तो क्या वरना तो फैन पकड़ के चीर फाड़ देंगे अबे मैं तो इतना बड़ा सिंगर थोड़ी हूँ मेरे कहाँ है फैन वे बहुत फैन है वहाँ मैंने इतनी बुलाई है मेरे ख्याल 2 मिलियन में से 19 लाख लोग तो आ ही गए हो मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा इधर दूर दूर तक पार्किंग है ना पार्किंग में कौन खड़ा होता है अंदर जाइए ना स्टेज पे हाथ बांध छोटे हाथ बांध सुनो एहतराम से गाने मेरे नाम के मुरीद तेरे पसंदीदा रैपर मेरे काम के मुरीद हाथ बांध वरना बोलेगी फिर 9 मिलीमीटर हाथ बांध छोटे यार आपका भाई तो इंटर हो गया अंदर ना अब जाना है हमें बैक स्टेज अभी यहाँ तो बहुत हवा में भाई साहब फुल माहौल बना हुआ है लेकिन स्टेज तक जाना भी एक अजाब है चलो यार बैक स्टेज की तरफ जा रहे हैं हम बिल्कुल छप्पर से जाएंगे और मतलब स्टेज तक जाने की कोशिश करें और हमें जाना भी स्टेज पर देखते हैं वहाँ से जाते हैं चेक करो आपका भाई फुल रश के बीच में से जा रहा है डायरेक्ट अंदर जा रहे हैं अबे यार अभी आपके भाई का शो स्टार्ट भी नहीं हो और इतने सारे लोग तुम लोग देख रहे हो पहले ही घेर लिए जलवा है हमारा अभी आपका भाई खड़ा हुआ है वीआईपी जगह पे मतलब यार यहाँ पे सिर्फ सिंगर बड़े बड़े रैपर्स ही जा सकते हैं यार और आपका भाई जाने वाला है चल यार बाउंसर्स वगैरह खड़े हैं कहीं हमें उठा के ना फेंक दे अबे ये तो है तेरी सिक्योरिटी तेरे को क्यों ये मेरी सिक्योरिटी क्या बात है बहुत भारी दरवाजे हैं यार मतलब आज आपका भाई लग रहा है यार कोई बड़ा रैपर वैपर है और फुल परफॉर्मिंग के लिए आया है लेकिन ये तो मुझे ऐसे उठा के ले आया यार डाले में डाल के मैंने तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं की सिंगिंग की रैपिंग वैपिंग की मुझे नहीं आती ये क्या बात करते हैं यार फुल आपका भाई का राज है यार मतलब यहाँ पे मस्त आपका भाई घूमेगा मेरा दिल चाह रहा है यहीं पे कॉन्सर्ट कर लूँ क्योंकि नीचे तो काफी रश है खाली खाली को छोड़ तू पब्लिक में कॉन्सर्ट करेगा भाई तेरे को जोश होना चाहिए ऑडियंस के सामने तेरे को गाना गाना है याद भी है तेरे को कुछ अबे याद तो नहीं है यार लेकिन याद कर लेंगे यार देख देख के गालूंगा मैं भी अबे देख देख के क्या वो बीट थोड़ी चलाएंगे पीछे गाना चल रहा है तेरा वो तेरा कोई पहले से प्री रिकॉर्डेड गाना तो है नहीं जो पीछे पीछे चलाएंगे तो गाना वो अभी आने वाला है जरा ना अभी यहाँ से माहौल तो देख पूरा दिख रहा है अबे ये कहाँ जा रहे हैं जब बाहर ही निकल जाएगा अबे बहुत आवाम आई है यार भरी हुई है पीछे तक लेकिन अभी भी इतनी नहीं है डायरेक्ट बाहर निकल गए यार देखो आवाम चेक करो आवाम ही आवाम है दूर दूर तक इन सारी की सारी आवाम के सामने तेरे को गाना गा रहे अबे पागल है मैं नहीं गा सकता बे टांगे कांप जाएंगे मेरे को अबे टांगो भाई हथौड़ियां मार वहां जाके खड़ा होइए और गाइयो पूरा मैं अभी तेरे को लेके जाऊंगा डायरेक्ट स्टेज पे अबे आवाम पकड़ लेगी मैं स्टेज पे जाऊंगा तो बाउंसर साथ होंगे हां बाउंसर होंगे फिर चलते हैं यार अबे काम करता हूं यहीं पे कॉन्सर्ट कर लेता हूं प्राइवेट कॉन्सर्ट तुझे मैं दिखाता हूं पुल पुल लाइक ए जन सी तो असरात मन अबे ऑडियंस भी आई हुई है ये तो तन्हा अंजुम है रोज कर रही है अब हम क्या कर रहा है तू क्या करेगा ये चेक कर पोलियो के कतरे पिए अबे पोलियो के नहीं है वीआईपी का है ये देख रहा है वीआईपी मैं अंदर कहाँ अबे तुम लोग बहुत बातें कर रहे हो अभी मैं स्टेज पे जाऊंगा ना फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि क्या हूँ मैं कैसा रैपर आज तक एक गाना नहीं सुना इसका पता नहीं कौन है बातें कर रहा है A few moments later. अबे कहाँ तूने खाने पीने की जगह पे ले आया यार इतनी अच्छी है बैठने बैठने की जगह तो अच्छी है लेकिन यार मुझे स्टेज पे जाना है मैं सिंगर हूँ आप सिंगर हो बैठ जाओ चलो स्टेज पे चल यार तेरा भाई जा रहा है यहीं से स्टेज पे डायरेक्ट छलांग वलांग मारेगा बस बहुत हो गया यार परफॉर्म करना है अपने को अबे अभी नहीं तू नया आर्टिस्ट है तेरा टाइम सबसे एंड में ये क्या बात है सबको मेरा वेट करना पड़ेगा हां ना देख रहा है तेरे भाई के लिए कितनी आवाम वेट कर रही है स्टेज पे जाऊंगा अभी देख पूरा लाइन बनाई है पीछे भाई ये जितनी भी लाइन है ना तेरे लिए नहीं है ये है इनके लिए भाई सामने से गए आप भीले का ना क्राउड क्या हो गया तेरे को परफॉर्म करना है क्या हुआ तेरे को क्या हो गया इसको स्टार्ट हो गया पहले से स्टार्ट हो गया भागो वो गिर पड़ना जाए ये बच्चे का गली के ना प्रॉपर बैक स्टेज के पास है अबे तेरा
आ रहा हमारे बिल्कुल सामने यार, ये भी सपने में चला है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा। अबे इसको तो होश ही नहीं है, वायस के कॉन्सर्ट के बाद इसका कॉन्सर्ट, भाई तेरा कॉन्सर्ट, ये वायस के कॉन्सर्ट में पागल हो चुका है, तो होश ही नहीं अब क्या हो रहा है इसके साथ। भाई तुझे तो पता भी है गाना कौन सा चल रहा है, Why not? गाना तो पता है, Why not? अभी तेरा भाई ना स्टेज पे भी गया था, पता है मैंने करीब से देखा अंजुम भाई, अंजुम भाई को करीब से देखा, मैंने यूनुस को करीब से देखा, वीडियो लगाऊंगा देखियो। अबे भाई मैं पूरा गिर ना जाऊं, बिल्कुल कोने पे खड़ा हुआ हूं, तो करीब से देख रहा हूं, सामने जो भाई खड़े हैं बीट बीट बना रहे हैं यहां पे। अभी अंजुम भाई ने मुड़ के देखा है। Meanwhile वो कहते तो दूर मैं खोया अपने अपना अद्धा हिस्सा, मेरे दिल दा होया तेरे खिलाफ क्यों नहीं चाहता, बात क्यों तारे आंदे वोस नहीं देवा। दिल मेरे तू समझा जा, हत्ता वित हत तू पा जा, ते नाल देगी नहीं मैं हो के ते तो दूर मैं खोया अपने अपनू अद्धा हिस्सा, मेरे दिल दा होया तेरे क्या कर रहा तू? मैं वीडियो वहाँ चला रहा हूँ, आवाज यहाँ से आ रही है। ये कहूँ मैं तो कॉन्सर्ट में था ना। कौन सा कॉन्सर्ट? अबे मैं कॉन्सर्ट में था, एंजॉय कर रहा था, और मैं सिंगर था यार, मेरा प्रोटोकॉल डाला शाला गार्ड वार्ड सब थे मेरे साथ। तूने अपनी आवाज देखी है सिंगर वाली, अपनी शक्ल देखी है प्रोटोकॉल वाली? अबे तू ही तो लेके गया था मुझे, मैं रोड पे नाच रहा था, फिर तूने बोला कि मैं रोड पे गा रहा था पोला पुल लाइक एजेंसी देता असरात मन भी, फिर तू ले गया मुझे डाले में। अबे तू पागल हो चुका है, सिंगर का ना यहाँ पे कोई काम नहीं है। अबे क्या काम नहीं है, मैं अभी अभी मैं रैपर बनूंगा यार। अबे तू रैपर बन जाइयो, मेरा सेटअप पे काम होगा प्रॉपर, मैं गा सकता हूँ, क्या हो गया? गाना बनाना बाहर जाके का या स्टूडियो में गाने का काम? कौन सी वीडियो बनती है? तुम्हारा भाई भी रैपर बनेगा और उसको मुंह तोड़ जवाब देगा अपने काम से। बाहर जाऊंगा लोगों के सामने अपना कॉन्सर्ट करूंगा, ऑडियंस ही ऑडियंस होगी, प्रोटोकॉल होगा, बाउंसर्स होंगे आगे पीछे फुल, आपका भाई स्टेज पे पुल अप लाइक एजेंसी अपना गाना बनाएगा यार। मेरी कला की ना कदर नहीं करते यहाँ पे लोग, जिनको कदर होगी ना मैं उनके पास ही जाऊंगा। बात सही है यार, मैंने ना अभी नया सिंगर बना हूँ, वैसे तो बहुत बड़ा रैपर हूँ लेकिन अभी के लिए फिलहाल मेरा नाम इतना नहीं है ना, अभी तो बन जाऊंगा मशहूर हो जाऊंगा, फिर आपको दिखूंगा भी नहीं मैं, तो अभी आप मेरा रैप सुनना चाहोगे? सुनो ना यार, सुनो ना रैप, सुनो फिर बताना कैसा गाया मैंने। पुल पुल लाइक एजेंसी देखा असरात मन की, कराची मेरा, कराची ही मेरी पैदाइश थी, कराची ही मेरी रिहाइश थी, वाइब तो करो भाई, सिटी पुलिस लाइन से नुमाइश शॉप, कराची भी एक आजमाइश थी, बात करते थे वो बाद में, उनको लंदन से हिदायत थी। कैसा गाया है भाई, कैसा गाया है, हैं? सही गाया है मतलब अच्छा नहीं गाया? अच्छा, अच्छा नहीं था मतलब, आप ये कह रहे हो, मैं अब क्या कह रहा हूँ, मैं जाऊँ यहाँ से, हैं? जाऊँ क्यों? आप भी एक गाना सुनाओ यार, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा सिंगर है बंदा, मैं इसको पहचान गया हूँ, ये सिंधी विंधी में गाने गाता है। सुना दे यार, ये पता है पैसे मांग रहा है मेरे से, अभी इसने ऑफ कैमरा बोला 1 करोड़ रुपए दूंगा एक लाइन सुनाऊंगा। यार तुम इतने बड़े सिंगर हो के बाइक पे बैठे हो इधर, क्या बोलूं उस्ताद? सिंधी नारो हो जमाली बुधा जलाल बुधा, हाँ हाँ बुधा बुधा शर्म यार, ऐसे शर्मा रहा है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, इसकी रुखसती हो रही है। खैर यार आगे चलते हैं, और लोगों को सुनाऊंगा रैप यार, ये अपनी वाइब का नहीं। A few inches later. ऐसे तो मेरी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा, मुझे इस पूरे ट्रैफिक में जाना पड़ेगा और उसके बाद परफॉर्म करना पड़ेगा, इससे मेरा कॉन्फिडेंस अप होगा यार, फिर स्टेज पे भी तो आगे परफॉर्म करना है ना यार, बड़ा रैपर बनना है तो करना पड़ेगा। अंकल क्या आप मेरा गाना सुनना चाहेंगे? नहीं, छोटा सा गाना मैंने लिखा है, टाइम नहीं है आपके पास। अंकल अभी आप मेरी कदर नहीं कर रहे ना, हमारे सुपरवाइजर आगे खड़े हुए हैं सामने सिंगल पे, अभी आप मेरी कदर नहीं कर रहे ना अंकल? नहीं नहीं, आप अभी सिंपति ले गए, लेकिन अच्छी बात, मेरे बेटे जैसे है, समझना नहीं? नहीं नहीं अंकल, ये आप गलत बात कर रहे हो, आप मेरे बेटे जैसे, समझ रहे हो? आपको पता नहीं है आगे रैपर बनने वाला हूँ बहुत बड़ा,
आपके लिए बहुत कदर है मेरी। कदर है तो गाना सुन लेना मेरा। बहुत कदर है आप। अच्छा गाना सुन तो सिंगे ना बैंस लगा एवरीथिंग है नी गाने सारे ट्रेंड करें क्या मैं अलादीन छोटे अंडरग्राउंड को मिला है हमें स्टीम सबसे अलग साउंड मेरा सबसे बड़ी टीम माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं बोलते अंकल ये गाना गाया है मैंने स्टेज पे जाके गाना चाहिए मुझे मैं जा रहा हूँ स्टेज पे चल यार स्टेज पे जाना पड़ेगा ट्रैफिक भी रोकना पड़ेगा चलो भाई आपका भाई चढ़ रहा है स्टेज पे तो जगी ना बेंस लगा एवरीथिंग एंड नीड गाने सारे ट्रेंड करें क्या मैं अलादीन अबे कचरा क्यों फेंक रहा हूँ मेरे पे यार छोटे अंडरग्राउंड को मैं लाया मैं टीम सबसे अलग साउंड मेरा सबसे बड़ी टीम तो जगी ना बेंस लगा एवरीथिंग एंड नीड गाने सारे ट्रेंड करें क्या मैं अलादीन मौत पर हक है शहर पूरा किंगडम है रोने लगा किंग बाइक करे शाइंस मेरी चेंज करे ब्लिंक क्योंकि अब भी साथ है पर लाइफ हो गई चेंज साउथ वेदर नॉर्थ को हिला रहे देखो रेंज अबे अभी ये मेरे को ना सारे ऐसे मुझे घूर रहे हैं मुझे लग रहा है अभी सारे ना पकड़ के मुझे मारने वाले इससे पहले मैं कोई मुझे गाड़ी के नीचे दे दे या तो फिर पुलिस वुलिस भी आ गई है यार पुलिस वाला आ गया पुलिस वाला मुझे लग रहा है किसी को बताने गया है भागना पड़ेगा यहाँ से ओए गाड़ी के नीचे नहीं दे देना मुझे तो भागो भागो निकलो निकलो अबे किसी का कोई रिएक्शन ही नहीं था सारे मुझे लग रहा था मुझे गुस्से से देख रहे हैं और सारे मुझे मारने को आ रहे हैं कोई गाड़ी के नीचे दे देता मुझे कोई पत्थर उठा के मारने की कर रहा था किसी को टैलेंट की मेरी कदर नहीं है मैं जब अपना गाना बनाऊंगा ना फिर ये सारी दुनिया देखेगी मैं क्या करता पत्थर कहाँ आ रहे हैं आपका भाई कॉन्सर्ट तो यार कर ले यार आवाम इतनी है लेकिन मसला ये है मेरा मोबाइल मेरा माइक मेरी घड़ी वड़ी ने छिन जाए यार माइक ही छिन गया तो मैं रैपिंग कैसे करूंगा सारे सुनो मेरा लैब्स लगा एवरीथिंग आई नीड गाने सारे ट्रेंड करे क्या मैं अलादीन सबसे अलग साउंड मेरा सबसे बड़ी टीम है अबे दुनिया को मैं अपना रैप सुना रहा हूँ अबे मेन रोड पर तू सिर्फ चीख रहा है ये कौन सा रैप सुना रहा है अबे गाने गाता हूँ यार मुझे सिंगर बनने चल भाई वापसी चल तू इंसान के पास कंप्लेन आ गई ना पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे तेरे को अबे मैं कोई नशा ही थोड़ी हूँ पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे मेरा तो ये टैलेंट है यार ये कौन टैलेंट है पागल समझेगा तेरे को तू भी मेरा मजाक उड़ा रहा है तुझे भी बताना पड़ेगा अभी देख मैं कैसे गाता हूँ तो सिंगे ना बेंस लगा एवरीथिंग आई नीड स्टूडियो चल के देखते ना आप लेके जा रहे ना स्टूडियो हाँ लेके जा रहे आ जा यो दिस इज रमीज रैपर अबे लोगों के कान फाड़ देगा तो किसी ने पुलिस बुला ली ना तेरे पे कंप्लेन करती ना इतना मारेंगे तेरे को अबे इतना मजा कर रहे थे लोग ऐसे खुश थे अपनी आवाज सुनी है तूने अबे मैं भी रैपर बन सकता हूँ यो यो रमीज रैपर ना तेरे पास कोई गाना है ना तूने कोई गाना गाया है किसी और के गाने उठा के गाई जा रहा है अब मैं अपना गाना बनाऊंगा आ जा सब आता है माइक है ये मैं कनेक्ट करूंगा बाकी स्टेरिंग का तो कोई काम नहीं है सब गेमिंग वेमिंग अब मैं बचा नहीं रहा गेमिंग शेमिंग मैं नहीं करूंगा अब मैं रैपिंग करूंगा एक चीज और है मेरे पास ये चेक कर तेरे भाई ने गिटार भी ले लिया है बजाना आता तेरे को ये देखना इमेजिन कर तेरा भाई खड़ा हुआ है स्टेज पे तू मेरा माइक पकड़ के ना मेरे मुंह पे कर इमेजिन कर माइक मेरे मुंह पे है तेरा और मैं गिटार भी बजा रहा हूँ साथ गा भी रहा हूँ मैं क्या माइक पकड़ के खड़ा रहूंगा मेरे को अलग से पैसे दे अबे तुझे मैं असिस्टेंट रख लूंगा जब बड़ा रैपर बन जाऊंगा सिंगर बन जाऊंगा एक एक शो के मैं लूंगा एक एक दो दो करोड़ आराम से डीले करवाऊंगा तू माइक पकड़ेगा तेरे को मैं दे दूंगा 50-100 रुपए दे दूंगा माइक पकड़ने के मैं 100-200 में आऊंगा तो फिर कितने लेगा तू 10 करोड़ अपना मुंह तो देख 1 करोड़ तो मुझे शो के मिलेंगे चल यार गाना गवा दे ये देख नीचे सारी ऑडियंस है ये कौन सा गाना गाना चुंटिया नहीं चल रही चरा ही दिख रहा है मुझे तो आगे गाना अपने गाने की 1-2 लाइन तो सोची होगी ना तूने नहीं वो तो नहीं सोची तू तो आ कितनी है तू बन ही नहीं सकता रैपर छोड़ दे यार तू एक काम कर यार सब छोड़ दे अबे लिखते है ना यार गाना बैठ के लिखते है आजा मेरे साथ बैठ के लिख जल्दी बता लिखना क्या है गाना वाना अबे ये क्या मोबाइल में क्या लिख रहा है कागज पेन पे लिखते है सारे सिंगर विंगर कागज पेन का टाइम गया अब है एडवांस टेक्नोलॉजी अब हम लिखेंगे नोट पैड में वाह यार अबे बता ना क्या लिखना आधे घंटे से बैठा हूँ क्या सोच रहा तू मैं सोच रहा हूँ लिख 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 स्कूल 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 का आपके भाई की जर्नी लिखनी चाहिए ना स्कूल में देते थे हेड हाँ ये लिख दे और बाकी भी लिख सकते हैं यार लंच बॉक्स था खाली बैग था भरा हुआ बैग में तो किताबें भी नहीं ले जाता था बैग मेरा खाली होता था बैग में थी पेंसिल बैग में था शॉर्पनर बैग में था मेरा इरेजर अबे ये सब क्या लिखवा रहा है ये लिखेगा बैग में थी पेंसिल मेरी शादी कैंसिल ये रैप लिखेगा तू अबे तो और क्या रैप में यही होता है ना सर कौन से रैप सुन रहे तू अबे राइम हो रहा है ना यार देख मेरे बैग में थी पेंसिल मेरा बैग में था शॉर्पनर रबड़ में था कबड़ में था रबड़ पेंसिल में निकला शॉर्पनर एमिनेम के छोटे भाई बंद कर दे तू ऐसे नहीं हो पाएगा राइमिंग की क्लास ले तू फिर आइयो यहाँ पर अबे रुक मैं रिकॉर्डिंग का सेटअप करता हूँ यार सारा यो ये क्या कर रहा है तू क्या ऐड कर रहा है पता नहीं कौन सी सेटअप खोल लिया यार इसने मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है पता नहीं क्या कर रहा है क्या वैम्पायर कर रहा है तू गाना कौन सा रिकॉर्ड कर रहा है अबे तुझे नहीं आएगा ये समझ यार ये रैपर अबे ये देख क्या पता नहीं कौन कौन सी क्लिप ऐड कर रहा है अबे तू ये देख काम चल रहा है अबे भाई साहब ये फाउंड पे कौन सा लगा रहा है ये तो अभी रुक जा मैं बीट बनाऊंगा सब कुछ खुद करूंगा यार मतलब प्रोड्यूसर से लेकर हर चीज हूँ मैं ये मैं भी यहाँ बैठ बैठ के देखूंगा कर क्या रहे तू अबे ओ तेरे सामने मैं नहीं गा पाऊंगा जा यार अबे यार मैं गाऊंगा सही से चुप करके बैठ जाऊंगा
जाना मेरे को वैसे भी तेरी बेसुरी आवाज नहीं सुननी। तू कौन सा गाना बना भी पाएगा, पता नहीं क्या कर रहा है, खेल रहा है सेटिंग के साथ बस। इधर आ। ठीक 2 घंटे बाद यहीं पे मिल मुझे। 2 घंटे पे क्या ही कर लेगा तू, 2 घंटे मेरे पास तब तक थोड़ा बाहर जाते हैं। लोग क्या कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हो, करने को नहीं है यार इसके बाद। अकेला धूप में बैठा हुआ है, छांव में भी नहीं जा रहा है, कौन छोड़ के चली गई भाई। ऐसा क्या हो गया इसकी जिंदगी में जो यूं बैठा हुआ है, बाइक वाले उल्टे रोड पे आ रहे, घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, सुजुकी पे बंदा घूमता हुआ जा रहा है। देखो मस्त सवारी मिली हुई है यार इसको। अंकल वहाँ पे बार्गेनिंग कर रहे हैं, भाई मेरे को 200 का चाहिए। भाई यार नहीं, ये मिलेगा तो 350 का मिलेगा, उससे कम मैं कर नहीं सकता। देखो ये 200 रुपए अपनी जेब में डालो ठीक है, और ये बस ये दे दो, ज्यादा तुम लंबी नहीं किया करो। कैसे लोग हैं यार आजकल के टाइम में, सही से खरीदारी नहीं है, निकल के तो दूसरे गाड़ी में चाहे सा, मेरे को लगा कोई अमीर बंदा होगा। बस यही है करने को, और क्या करूँ। 2 hours later बस से बिट की आवाज आ रही है, बिट कैसे बना ली तूने, कैसे किया? काम परचेज कर दिया है, अब सुन मेरा गाना चुप। कैसे ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, सुना दे भाई 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 भाई, बता दे कैसे बना और सुना दे यार, थोड़ा सुना दे यार। अब मैं डायरेक्ट इसकी म्यूजिक वीडियो बनाऊंगा। अबे सर बीट सुना दे, बीट अच्छी लग रही थी, स्टार के लगे रस जाओ। अभी पूरा नहीं सुनाएंगे, पूरा इसकी म्यूजिक वीडियो आ जाएगी। अगर इस वीडियो पे 2 लाख लाइक होगा ना यार, तो आपका भाई रिलीज कर देगा सॉन्ग, वरना नहीं करूंगा भाई, जाओ यार। अबे जल्दी कर दो यार, सॉन्ग सुनना है मेरे को, बीट इतनी अच्छी, तो काम करना मेरे को यार, थोड़ा सुना दे यार भाई, दिखा देना थोड़ा। ये स्टार के लगे रस जाओ मार्केट, वो कर रहा था ऑन टारगेट। एक वर्ष और तूने बनाया कैसे, समझ नहीं आ रही, इतनी अच्छी बीट लग रही है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग हो गई, मतलब बेसुरा गाना वो तो आवाज, तुझे पता चलेगा जब ये गाना मैं रिलीज। अबे आवाज तो तेरी बेसुरी है, तूने कोई इफेक्ट में गेम किया ना, गेम किया है, तूने 15 करता है। एक दिन देख रहा है ऐसी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, स्टेज होगा नीचे ऑडियंस ही ऑडियंस, भाई शो ही शो यार, देखा भाई अभी रैपर वैपर बन जाएगा ना फिर देखे। हाँ सही है, मैं भी आराम से नीचे सबसे टिकट टिकट छीन रहा हूँ, मजा आ जाएगा। शान का बच्चा बन, तू माइक पकड़ के खड़ा हो। अबे तो मतलब मेरे भी तो पैसे होंगे टिकट के। आपका भाई फुल ऑलराउंडर है यार, रैपिंग शैपिंग भी शुरू कर दिया, हर काम आता है यार, यूट्यूबर तो है ही आपका भाई, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, लेकिन और भी नई नई चीजें ट्राई करते रहेगा आपका भाई, कंटेंट मॉन्टेंट भी फुल धमाकेदार आता रहेगा, तो सपोर्ट करना है तुम लोग को यार, फुल सपोर्ट करना है। उससे भी पहले 2 लाख लाइक तो करवाओ ताकि गाना तो आए यार। वो तो देखते हैं यार, वैम्पायर आर्मी करवा पाती है नहीं, इसी के साथ इस लोग को लगाते हैं यहीं पे फुल स्ट्रॉन्ग। रैपर बनने की ख्वाहिश पूरी हो गई, 24 घंटे में गाना भी बना दिया आपके भाई ने। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, चलो शाडो।